याद पिया की आए। समझौते में यही लिखा है ना, मैं तलाक नहीं दे सकता आपको। ये तो नहीं लिखा ना कि मुझे आपके साथ रहना है। क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें सामान की? कहीं बंदा बंदा तो नहीं कराना है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दोस्त की शादी है। मना भी किया था आपको, क्या जरूरत थी अभी इतनी जल्दी ये सब कुछ करने की? कुछ दिन आराम कर लेती। अरे क्या करूं, परसों पुराना काम है। अब काम ना करूं ना तो तबीयत उलझने लगती है। ये बात नहीं है बड़ी बाजी, आप खुद को और जिया को मुझ पर बोझ समझ रही हैं। अरे नहीं नहीं नसीम, तेरे प्यार पे और तेरी जात पे मुझे बिल्कुल शक नहीं। देख जिंदगी भर से गाहक लगे हुए हैं पक्के, कुछ दिन भी सप्लाई रुक जाए ना तो बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हाँ ये तो आप ठीक ही कह रही हैं। वो हारिस नहीं आया और कोई खबर आई उसकी? नहीं कोई खबर नहीं, कह रहा था इस बार आऊंगा तो लेकर ही जाऊंगा। अब देखो वो दिन कब आता है। इंशाल्लाह वो दिन जल्दी आएगा। अब देखें ये क्या कम है कि हारिस अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है। हाँ अल्लाह करे। जिया कहाँ है? अरे किचन में घुसी हुई थी, जबरदस्ती भेजा है मैंने कमरे में कि कुछ देर आराम कर लो। खाना बना रही थी ना, खाना लेके आती हूँ आपके लिए। हाँ ले आ जरा, मैं भी कमर सीधी कर लूँ। हाँ आराम कर। आए आज इस किस्से को खत्म करते हैं। किस्सा तब खत्म होगा जब तू खत्म होगा। देख पागलपन सवार है तुझ पे। हाँ है, और ये पागलपन भी तब खत्म होगा जब तू खत्म होगा। आज इसको खत्म करते हैं मैं कह रहा हूँ। ठीक मेरी बात सुन। क्या क्या क्या? रुक जा ले, अरे कैसे? तुम खुद गवाह रहना है। अरे मैं तो रोक रहा था उसे, पिस्तौल तो बुलाया था, मैंने नहीं चलाई गोली है। कुछ नहीं होगा रिका, सजा साहब को इतला कर दो। बड़े नवाब को मैं नहीं बता पाऊंगा, तुम खुद इतला कर दो यार। हाँ हेलो हेलो, क्या हाँ? अरे कौन से अस्पताल में? मैं आ रहा हूँ कैया। हारिस कैसे मेरा बच्चा, क्या हो गया उसे? ऑपरेशन चल रहा है, अल्लाह खैर करेगा। या अल्लाह क्या हो गया मेरे बच्चे को? खा गई जहां आ मेरे बच्चे को। आंटी ये वक्त नहीं है अब तो का, दुआ कीजिए कुछ नहीं होगा। बेटा मुझे ये बताइए ये कैसे हुआ सब कुछ? कैसे क्यों हुआ, कैसे हुआ ये जरूरी नहीं है। मरीज की हालत खतरे में, खून बहुत बह चुका है, अब जल्दी से खून का बंदोबस्त करें। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ जी। वो मैं अगर ना होता तो हारिस को जान से मार देता। हारिस कहाँ है? हारिस को खून दे रहा है, वो खून की जरूरत। अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ अभी। नहीं लेकिन अरे वैसे भी आपके मां बाबा कोस रहे हैं आपको, आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं होगा।
वो देखिए जी जी, आप आएंगी तो तमाशा लग जाएगा यहाँ पे। मैं आपको पल पल की खबर देता रहूंगा। हाँ अच्छा ठीक है जी जी। इसी छीना झपटी में गोली चल गई। 5% बीच में ना आता तो ये गोली शायद ये गोली मुझे लग जाती। क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं? कैसी बातें कर रहे हो? यही तुमने उसे यहाँ लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, ये जानते हुए कि वो तुम्हारी जान लेना चाहता। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। वो तो है, लेकिन बेटा अली तो अपने किए की सजा भुगत रहा। अगर तुमने जो एहसान कर दिया है, यकीन करो अगर खुदा ना खास्ता तुम यहां होते तो अली कभी ना आता। जी डॉक्टर साहब, अब मरीज की हालत खतरे से बाहर है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, करम है मेरे मालिक, शुक्र है। आज की रात ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कल तक सुबह तक कमरे में शिफ्ट कर देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया डॉक्टर। अब तो ये मामला हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा है जी जी। एक लम्हे के लिए मैंने तो तसव्वुर कर लिया कि आप और मैं जेल में चक्की पीस रहे। इसमें अली का अपना फेल है, हमारा कोई लेना देना नहीं। अली का कोई भी फेल उसका अपना नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि उसने जो कुछ भी किया आपके कहने पर किया और आइंदा भी जो कुछ करेगा वो आपके ही खाते में डाला जाएगा। उसूल बातें मत करो। ठीक है, हमें अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक पहुंच जाएगा, लेकिन सूर हमारा नहीं है। मुझे तो हारिस पे हैरत हो रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो उसे अस्पताल ले गया। छोटे नवाब की रंगों में खून दौड़ रहा है उसका, खून दे दिया अपना। देखें जो कुछ भी हो अब बड़ी एहतियात से कदम उठाना होगा, और ये छोटे नवाब को तो आप ही संभालें, पता नहीं किस वक्त क्या कर गुजरे। आप देखें बस। अस्पताल से छुट्टी कब होगी? वो एक दो दिन में छुट्टी दे देंगे। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत खतरे से बाहर है, दोनों को थोड़ा सुकून हुआ तो यहाँ आया हूँ मैं। जहारा इस हद तक गिर सकती, मैंने सोचा नहीं था कि उससे किसी भी हद की तवक्को की जा सकती है। हारिस तुम ऐसा करो कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दो उसके खिलाफ। अरे नहीं खाला, बात बहुत बढ़ जाएगी। अरे बात तो बढ़ ही चुकी है, और फिर जो कुछ उसने किया है उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए। और क्या भरोसा बड़ी बाजी कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। भरोसा तो नहीं है, लेकिन पुलिस के चक्करों का आपको पता है ना खाला, पहले इतना कुछ है ठीक करने का, थाने कचहरी के चक्कर में पड़ गए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया था कि घर मिल गया किराए पे, माँ कल सुबह ले जाऊंगा तुम दोनों। नहीं तू ना जा, इस वक्त मेरा दिल बहुत घबरा रहा है हारिस। अरे अम्मा परेशान नहीं, दोस्त होगा मेरे साथ, अम्मा परेशान नहीं। अल्लाह अल्लाह के हवाले। किस बात की सजा दे रहा है तू हमें? हैं? अरे देख तो सही क्या हाल हो गया तेरा, तेरे भले के लिए समझाया करती थी तुझे, अगर मेरी बात मान ली होती ना तो आज को ये हाल ना होता तेरा। मैं तो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र अदा कर, दूसरी जिंदगी मिली है तुझे, अरे संभलने का मौका मिला है तुझे, खुदा का शुक्र अदा कर तू। जिंदगी तो हारिस को मिली है अम्मा, 5% बीच में ना आता ना तो। चुप रहे, जिसका तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए उसके खिलाफ बोल रहा है तू, शर्म कर। वो जिसकी जिंदगी छीनने गया था ना तू, खुदा के बाद अगर वो ना होता और तुझे अस्पताल ना लाता और अपना खून ना देता तो ये जो कुछ बोल रहा है उसके खिलाफ ये तू ना बोल रहा होता, तेरी लाश पड़ी होती यहाँ, हम मातम कर रहे होते। हारिस। हाँ हारिस,
वही तुझे यहाँ लेकर आया, उसी ने खून दिया था। अच्छा नहीं किया उसने, बहुत बुरा किया उसने। तुझे वहीं छोड़ देना चाहिए था मरने के लिए। अब जरा सी भी गैरत है ना तुझ में, तो उसके खिलाफ बोलने से पहले ये जरूर सोच लेना कि जो चंद सांसें चल रही हैं तेरी, ये उसी की वजह से। हम अब, मैं जानता हूँ घर थोड़ा छोटा है, लेकिन फिलहाल यही मिला है। छोटा हो या बड़ा हो, घर तो वो जगह है जहाँ बस सुकून होना चाहिए, खुदा किसी को दरबदर ना करे। अम्मा तुम फिक्र ना करो, अम्मा इस चार दीवारी की जिम्मेदारी मेरी है, ये चार दीवारी तुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये वादा है मेरा। ये पर कहां से करेगा खर्चा, घर का किराया, बाकी खर्चा, तेरी तो नौकरी भी नहीं है। ढूंढ रहा हूँ अम्मा, कुछ पैसे मेरे पास थे कुछ दोस्त से लिए, तो छह महीने का किराया तो दे दिया इस घर का। कुछ पैसे मेरे पास हैं अगर तुझे चाहिए तो मैं। अरे नहीं अम्मा, कब तक तू जिम्मेदारियां उठाएगी, अब करने देना मुझे। अब कुछ खाने पकाने को लाना है तो बता मुझे मेरे। आप अरे बस कर दे जहां आ रहा, जान छोड़ दे हमारी और अली की। तेरे चक्रों में पड़ के ना वो जान से चला जाता, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई, लेकिन तू तो बख्श दे उसे। मैं बस कर दूं? छोटा सा बच्चा है क्या वो, जो कुछ उसने किया है उसमें उसका अपना लेना देना है, मेरा कोई हाथ नहीं है। अरे किया होगा अपनी मर्जी से, लेकिन सब कुछ जो उसने किया ना वो तेरी वजह से किया है, तूने करवाया उससे। अरे मुझे तो डर लगता है कि पता नहीं जिया की नफरत में तू क्या कर बैठे। क्या कहना चाह रही हूँ, हारिस की जान लूंगी, खुद ही अपना सुहाग उजाड़ूंगी। मरने से ही सुहाग बर्बाद नहीं होते या उजाड़ते। अरे कुछ बदनसीब औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लेती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। किसी गलत फहमी में मत रहना, बर्बाद हुई नहीं हूं मैं। आ जाएगा हारिस वापस, देखना तो। सबसे पहले तुम्हें आके खुशखबरी दूंगी, तुम्हारा खून जलाऊंगी। गलतफहमी मुझे नहीं है, गलतफहमी तुम्हें है अपने घमंड की। ये जो तू बात कर रही है ना, ये अपने पैसे के गरूर में बात कर रही है, बड़ा नाज है ना तुझे। अरे अगर पैसे की लालच होती तो हारिस वापस ना आ जाता, जो तुमने अपना नुकसान अपने हाथ से करना था ना वो तुम कर बैठी। खुदा के बाद अगर वो ना होता और तुझे अस्पताल ना लाता और अपना खून ना देता, तो ये जो कुछ बोल रहा है उसके खिलाफ ये तू ना बोल रहा होता। अब जरा सी भी गैरत है ना तुझ में, तो उसके खिलाफ बोलने से पहले ये जरूर सोच लेना कि जो चंद सांसें चल रही हैं तेरी, ये उसी की वजह से। जिया, मैं जानता हूं मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, इस काबिल भी नहीं हूं कि तुम मुझे आंख भर के देख सको। मैंने कितनी बार तुम्हारा दिल तोड़ा, कभी वादा लेके कभी वादा कर, मैं तो उसी का हिसाब नहीं दे सकता, तुम्हारी रूह पे लगे जख्मों का हिसाब कैसे दूंगा। यकीन मानो जी, सुकून का एक लम्हा मैंने भी नहीं गुजारा।
मैंने कितनी बार तुमसे नफरत करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाया, दिल ही नहीं मानता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं लोगों की बातों पे यकीन क्यों नहीं कर पा रहा। और सच जानने के बाद मुझे एहसास हुआ बेसकूनी और बेचैनी तो मेरे अपने जुर्म का एहसास थी। मैं माफी का हकदार नहीं हूं जिया, लेकिन कोई एक ऐसी सजा पे तो कि मैं खुद से नजरें उठा सकूं। इन बातों को अपने सर पे सवार करना शुरू कर दिया। अरे इन लोगों को तो बोलने की आदत है, बेहतर होगा कि आप इन बातों में उलझने की बजाय अपने असल मकसद की तरफ ध्यान दें। हारिस की क्या खबर? मेरे पास एक खबर तो थी हारिस की आपको बताने के लिए, लेकिन ये बीच में अली का मामला हो गया। जो पूछा है बताओ। जी आप पहले ही परेशान है, मैं नहीं चाह रहा था कि आपको और मुझे इतना कमजोर मत समझो। ना मुझसे हमदर्दी करने की जरूरत है। वो जी जी वो हारिस ने एक मकान किराए पे ले लिया है और जिया और अपनी माँ को नसीम के घर से लेकर वहां चला गया। लेकिन आप फिक्र ना करें, इधर उधर से उधार लेकर ही कुछ किया होगा, कब तक ये सिलसिला चलेगा आप बेफिक्र रहे। अच्छा अम्मा, शाम में आता हूँ फिर। आप खुद को माफी का हकदार नहीं समझते, और मेरे लिए आपको सजा देना मुमकिन नहीं है। हम एक नए रिश्ते की शुरुआत तो कर सकते हैं ना, कैसी शुरुआत जिसमें माजी का कोई हिसाब किताब ना हो, ऐसे मुस्तकबिल की उम्मीद हो जहाँ पर रिश्ते मजबूत हों, इतने मजबूत कि फिर जो भी हो जाए हम लोग साथ रहें, कभी भी साथ ना छोड़ें। ऐसा रिश्ता हो जहाँ पर मोहब्बत के साथ एतमाद भी हो। मैं एक ऐसे नए रिश्ते की शुरुआत के लिए तैयार हूँ हारिस। हर बार हैरान कर देती है मुझे जी। जानती हूँ ये रिश्ता आज तक कमजोर था क्योंकि इसका हर फैसला मैं करता हूँ। आज पहली बार ये रिश्ता मजबूत लगने लगा क्योंकि आज पहली बार इसका कोई फैसला तुम करना चाहते हो। अतमाद तो मुझे तुम्हें दिलाना है कि किसी भी कमजोर लम्हे में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। नई शुरुआत कहकर मुझे एक और मौका देने का शुक्रिया जी। तुम अभी तक यहाँ? मैंने तुम्हें कहा था चले जाओ यहाँ से, गए क्यों नहीं अभी तक? जी जी अगर आप दुकान की बात की वजह से मेरी शक्ल देखना नहीं चाहती, दफा हो जाओ। अबे क्या जरूरत थी तुझे उससे बचाने की? मरने देता साले को, कातलों के साथ हमदर्दी करने का जमाना नहीं है। काश मैं ऐसे ही कर पाता यार।
मैं तो खुद नहीं करना चाहता था ये, पर शायद खुदा यही करवाना चाहता था मुझसे। अरे क्या बोल रहा है भाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये बता के जिया और अम्मा को घर कैसा लगा? अच्छा यार, बस नौकरी का कुछ हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ले वो जरूरी बात करना तो मैं भूल ही गया, तेरी इस बुरी खबर ने सारा मूड ही खराब कर दिया। अब बता दे या तेरा मूड ठीक होने का इंतजार करूंगा। तो तेरी नौकरी हो गई है क्या? सच कह रहा है तू? नहीं झूठ बोल रहा हूँ। अबे हाँ ये ले, फैक्ट्री का कार्ड है, राशन भाई होंगे यहाँ, उनसे जाके मिल लियो। आज चला जाओ? हाँ आज चला जा, उनसे उन्होंने कहा है मुझे कि आज भेज देना, नंबर सेव कर ले इसका, वहाँ जाके इंशाल्लाह काम हो जाएगा, डन हो जाएगा। जो कुछ हुआ ना शुक्र है मैं तुझसे जेल मिलने नहीं आया। और क्या क्या सोच कर तूने ये सब कुछ किया यार? सोच समझ के किया होता तो ये सब थोड़ी करता मैं। चलो शुक्र है इस बात का एहसास तो है तुझे। देख अली बहुत हो गया ये पागलपन, बस कर यार, अपना नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप का तो एहसास कर। इस उम्र में तू उनका सहारा बने, वो तुझे पाल रहे हैं, और ऊपर से ये सब। पटक गया था यार, और इतना आगे निकल गया था कि पलटना नामुमकिन। अब तो मौका है ना, जो होना था वो हो गया, जो बचा है वो तो ठीक कर सकता है ना तू। कैसे ठीक हो? सिर्फ अपने माँ बाप का गुनहगार नहीं हूँ, जिया और हारिस की जिंदगी में जो जहर घोला है मैंने उसको कैसे ठीक करूं? भूल जा उन्हें, उनसे दूर रह, उन्हें अपनी जिंदगी में खुश रहने दे, यही बहुत है। तो अपना ख्याल कर, अपने अम्मा अब्बा का ख्याल कर, ये सब तो तेरे बस में है। सही कह रहे हो। काम के बारे में मैं तुम्हें समझा दूंगा, देखने तो पढ़े लिखे लग रहे हो, जल्दी समझ जाओगे। शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको राशिद भाई, बेफिक्र रहें। हाँ और तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपए होगी, ये ओवर टाइम वगैरह मिलाकर तकरीबन कोई 24-25,000 बन जाएंगे। सही है। हाँ तो फिर कब से आ रहे हो? कल से आ जाता हूँ राशिद भाई। कल सुबह ठीक 8 बजे आ जाना, मैं 1-2 दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें काम समझा दूंगा। मुंह मीठा कर, फिर बताता हूँ क्या खुशखबरी लाना तेरे लिए। ते पहले बता तो सही क्या हुआ? खाना अम्मा। हाँ चलो बता। नौकरी मिल गई अम्मा। अरे वाह, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा हो गया ये तो। अब पैसे इतने ज्यादा नहीं है अभी अम्मा, लेकिन इतने हैं कि गुजारा अच्छा हो जाएगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तनख्वाह जितनी भी हो, नौकरी तो लगी, तू बस मेहनत कर, रिस्क देना अल्लाह का काम। जिया जी। जिया मम्मी मुंह मीठा कर। लेकिन क्यों? खाओ। नौकरी लग गई है इसकी खैर से। हाँ कागज में मिर्ची लेके आ, मैं इस पे से मारूं। अभी लाती हूँ। तरस गई थी कि मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए। ये तो होना ही था, सारी जिंदगी आपने इतनी मेहनत की है, फल तो मिलना ही था ना। अरे नहीं, मेरी मेहनत से ज्यादा तेरे सबर का फल है, सब कुछ तेरे वसीले से हुआ। ये दुख सहा।
याद पिया रंगों की बुराई है, कितने भी शोक क्यों ना हो वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं। रिश्तों में भी एक अच्छाई है, वक्त के साथ साथ और मजबूत हो जाते हैं। बेरी कोयलिया कूक सुनाए, बेरी कोयलिया, बेरी नौकरी कर ली जी जी उसने, सुबह काम के लिए जाता है, रात देर को वापस आता है, वो तो लगता ही नहीं कि वो पहले वाला हारिस। बाली उमरिया सुनी सजरिया, राह तकत मोहे थक गई नजरिया, जो मन भी तो जाए हाय रे याद पिया। वालेकुम अस्सलाम। ये तेरे लिए। ये क्या है? अच्छी है ना, देख। ये तो है, लेकिन क्या जरूरत थी इस बदल खर्ची की? अरे अम्मा, खरीदी थोड़ी है, चोरी की है मैंने। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ अम्मा, अच्छी लगी ले ली, फजूल खर्ची कैसी। अब खाना खिला दे कुछ। हाँ, मैं तेरे लिए खाना गर्म करती। कैसे? बहुत अच्छे। दुकान पे जाके तो चकरा ही गया मैं, समझ ही नहीं आ रहा था लड़के के लूं या लड़की के। ये देखो, दोनों के बराबर बराबर ले आए। क्या? कुछ नहीं, अम्मा के लिए भी शॉल लेकर आए हैं, आने वाले या आने वाली के लिए भी बहुत सारी चीजें लाए हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लाए? नहीं। नाराज क्यों हो रही हो? भला ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना लाऊं? मैं आपसे मजाक ही कर रही हूं। शुक्र है, क्योंकि मैं वाकई तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला रहा। हारिस। मैं तंग कर रहा था। अरे ये देखो, ये तो बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन महंगे होंगे। कमाल करती है, पहन के तो दिखा।
हारिस ने एक मकान किराए पे ले लिया और जिया और अपनी माँ को नसीम के घर से लेकर वहां चला गया। फैक्ट्री में नौकरी कर ली जीजी उसने, सुबह काम के लिए जाता है और रात देर को वापस आता है। तो मरने से ही सुहाग बर्बाद नहीं होते या उजड़ते, अरे कुछ बदनसीब औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लेती हैं। जी जी जहां आरा जी, वो दुकान का ना एक बड़ा अच्छा ग्राहक मिल रहा था। तुम्हें किसने कहा दुकान बेचनी है? जी वो दुकान कब से बंद पड़ी है, तो वो हारिस तो चला गया था, तो मैंने कहा कि वो क्या क्या पता चला तुम्हें हारिस वापस आएगा? अब नहीं जी जी, वो मेरा तो मतलब था कि दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ। हारिस वापस आएगा। गलतफहमी मुझे नहीं है, गलतफहमी तुम्हें है अपने घमंड की। ये जो तू बात कर रही है ना, ये अपने पैसे के गरूर में बात कर रही है। बड़ा नाज है ना तुझे? अरे अगर पैसे की लालच होती तो हारिस वापस ना आ जाता। ऐसे यार बड़ा ही बेवफा आदमी है तू कसम से। है? काम हो गया तो दोस्त को बोल गया, दिखाई नहीं दिया। तुझे पता है ना सब कुछ, सुबह जाता हूँ, इस वक्त वापस आता हूँ। अच्छा फिर तुझे चाय पिलाऊं? नहीं नहीं यार, तेरी अमानत वापस करने आया मैं बस। फिर मुझे अमानत की जरूरत नहीं है यार, जब जरूरत पड़ेगी तो उसे मांग लूंगा, क्या हो गया? जरूरत है यार, अभी है इसलिए लौटा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ मैं वापस नहीं करूँगा तो तू मांगेगा भी नहीं। अच्छा ले लिया हमारा, अब चाय पी। नहीं ओ, जिया इंतजार कर रही होगी घर पे, अगर देर हो जाएगी तो क्या डांट देगी? नहीं डांटेगी तो नहीं, लेकिन खाना नहीं खाएगी। और जानता है ऐसी हालत में उसका खाना ना खाना उसके डांटने से ज्यादा है। चलता हूँ। अच्छा तेरे मुंह से बड़ा अजीब लग रहा है, विलायती बीवियों के ख्वाब देखने वाला आज देसी बीवी की खिदमतें कर रहा। जिया पर हजारों विलायती लड़कियां कुर्बान। क्या बात है, सब कुछ नॉर्मल है, बस इनके खाने पीने का ख्याल रखें और मैंने 26 डेट लिख कर दी है, 25 को इनको एडमिट करवा दीजिएगा। ठीक है हारिस, तुम अभी तक यहाँ? मैंने तुम्हें कहा था चले जाओ यहाँ से, गए क्यों नहीं अभी तक? जी जी अगर आप दुकान की बात की वजह से मेरी शक्ल देखना नहीं चाहती, दफा हो जाओ। लेकिन जी जी मैं आपको अकेले छोड़ के इस तरह की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, चले जाओ, तुम्हारा मत आना इधर। बस ये पूरा सेब पड़ा है, खत्म करना है ये भी। मुझसे नहीं खाया जा रहा, और मत खिलाएं बस। तेरे तो अच्छे भी खाएंगे, ये ले। नहीं खाया जा रहा ना। अम्मा। अच्छा। अम्मा। हारिस। अरे क्या क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? देखो इसको जरा, डॉक्टर ने कहा अपना ख्याल रखने को, और सारे का सारा खाना वैसे ही पड़ा है, कुछ भी नहीं खा रही है।
तो नहीं दिल कर रहा होगा ना, रहने दे बाद में खा लेगी। लो कर लो बात। अरे अम्मा मैंने तुझे अपनी साइड लेने को बुलाया था, तू बहू की साइड ले रही है, कमाल है यार। अरे क्यों ना लो, इस पर तो साथ खून माफ। सही है, कर लो एका, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा चल चल, ज्यादा ड्रामे ना कर, मैं खुद खिलाती हूँ। खिला दे। भाई कल सुबह जाना है दुकान के लिए, कुछ सामान लाना है, नाश्ता जल्दी बना ले। ठीक है। अब्बा। हाँ? तुम रहने दो, मैं लेकर आऊंगा। तुम जाओगे? क्यों अब्बा, मैं नहीं ला सकता। नहीं मेरा मतलब है तुम कभी रहने दो ना, जब वो कह रहा है कि चला जाएगा तो जाने दो। अरे जब जाएगा नहीं तो सीखेगा कैसे? अच्छा हाँ अब्बा, और अब्बा मैं आज से दुकान भी मैं ही संभालना चाहता हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास। मैं जानता हूँ आप लोग हैरान क्यों, थोड़ा वक्त लगेगा काम सीखने में, लेकिन आप हैं ना सिखाने के। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है अब्बा, अब और नहीं सताऊंगा आप दोनों। ये तो रुला रहा है, क्या कह रहा है तू बेटा? कुछ नहीं, मैं सामान लेकर आता हूँ। सारी उम्र की गुलामी का ये सिला दिया जीजी, धक्के लेके बाहर निकाल दिया, ठीक नहीं किया। क्या क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, कैसे कैसे वक्त में साथ दिया, और मिला क्या सारी जिल्लत? नहीं भाई, बस इस सलूक के हकदार नहीं थे तुम, नुकसान तो अब उठाना पड़ेगा। चंद हजार रुपए महाना पे बहुत इस्तेमाल हो गया मैंने, एक ही बार में माल कमाने का सोचना होगा। 5% कुछ ऐसा सोचना होगा कि इसके बाद जहां आ रहा तो क्या किसी की मुनासिबत की नौबत ही ना पड़े। जहां आ जी, मुझे निकाल कर अपने ताबूत में आखिरी कील खुद अपने हाथ से ठोकी आपने, ताबूत तो तैयार है, डेड बॉडी तो चाहिए।